नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश की आपकी जिंदगी बेहतर सुंदर बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? आपको मैंने मुहूर्त बता दिया पहली वीडियो में, आज की जो पहली वीडियो थी, दूसरी में क्या खरीदे और क्या दान करें। अब जो चीज आपको बताने जा रही हूँ, जो मेन क्रक्स है चीजों का, वो तो कम से कम समझो। बाकी चीज करने के चक्कर में जो मेन चीज है वो तो रह जाती है। अब कष्ट, जितने भी हमारे कष्ट है, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड है, चाहे वो धन से रिलेटेड है, कारोबार से रिलेटेड है, जितनी भी परेशानियां धनतेरस से जो ये दिन शुरू हो रहे हैं, अगले 3 दिन तक ये ऐसे दिन है जिसमें हम अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं, कष्टों को, संचित कर्मों को, क्योंकि आपकी जो पत्री बनती है वो आपके संचित कर्मों के हिसाब से बनती है। तो जो संचित कर्म है वो, ये एक ऐसा टाइम है जप और ध्यान साधना से आप उस चीज को कट अवे कर सकते हो, दूर कर सकते हो। इस चीज का ध्यान रखना। जो मेन चीज है, जो पूजा आप करोगे, बाकी जो चीजें कर रहे हो वो तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताई दी है। जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो आपने करना है, वो चीज समझो। आपका जो भी लोग कारोबार कर रहे हैं, जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, जैसे जॉब कोई कर रहे हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो सकती है? चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो आपका पेन है। जैसे जो कारोबार कर रहे हैं, जिसको जिस चीज का भी कारोबार है, पहली चीज तो वो एक छोटी सी चीज अपने घर पे आपने इस धनतेरस लेके आनी है। हालांकि मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉनिक चीजों से को अवॉइड करना है। अब जो मीडिया के लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल जो मीडिया के लोग हैं, उनके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्या है? कैमरा है, फोन है, या कोई भी चीज ग्लैमर में जो है, उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? उस हिसाब से आपने कहीं ना कहीं वो चीज खरीदनी है, बेशक छोटी सी खरीदो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो डॉक्टर्स हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा जैसे थर्मोमीटर है या कुछ भी वो चीज लेके आए। जैसे जो अपना बैंकिंग सेक्टर में, फॉर एग्जाम्पल वो पेन ले आए। आपको पता है जो आपका काम है वो, उसके लिए क्या चीज जरूरी है। वो जो मैंने खरीदारी का आपको टाइम बताया था पिछली वीडियो में, वो जरूर देख लेना, मुहूर्त की वीडियो। उस टाइम पे वो चीज आपने खरीदनी है। अब आप जब ये चीज लेके आते हो, इसको आपने अपने नॉर्थ ईस्ट एरिया में जरूर थोड़ा सा टाइम रखना है। लेकिन जब घर के अंदर वो चीज प्रवेश करेगी, वो खाली ऐसे प्रवेश नहीं करेगी, उस पे आपने पीले रंग का धागा बांधना है, फिर उसको अपने घर पे लेके आना है। और उसके ऊपर किस चीज से तिलक करोगे? हल्दी, चंदन और केसर से उन चीजों को आपने तिलक करना है। अब आपको जब मैंने मुहूर्त का टाइम बता दिया था, सब कुछ बता दिया था, अब एक और चीज जो पाठ आपके सारे कष्ट दूर करेगा, मेरी बात मान के चलना, वो है कनक धारा स्तोत्र, वो है श्री सूक्तम का पाठ। ये जो चीज है, आपके कहीं ना कहीं जो कष्ट है वो कहीं ना कहीं उसकी समाप्ति होगी। मैंने आपको एक और चीज बोली थी, अगर तो चरण चांदी के, जो कहते हैं ना, जो चरण पादुका होती है, वो अगर आप अपने इस धनतेरस वाले दिन अगर आप अपनी तिजोरी में स्थापित करते हो तो लाजवाब बात है। लाल कपड़े में जो अगर आप नारियल, जो बेफजूल का खर्चा होता है, अगर उस चीज को भी अगर आप स्थापित करते हो, अपने पहले पूजा में कर लेना, फिर उसको अपने अगर तिजोरी में करते हो, जो ये फजूल की खर्चियां हैं वो कहीं ना कहीं समाप्ति होती चली जाएगी। वैसे तो आपने धनतेरस अगले दिन दिवाली के दिन, और क्योंकि नरक चतुर्दशी भी उसी दिन आ रही है, मां संयोग है, इसीलिए तो इतनी चीजें बता रही हूं आपको, तो ये आपने रखना ही रखना है। इसके बाद भी अगर कंटिन्यूटी में करते हो 1 साल, जो चीजें आपको बता रही हूं बहुत जबरदस्त चीज रहेगी। एक और चीज आपको बता देती हूं, जो महा उपाय समझ के चलना, मुझे पता है मेरी बात मानते हो, और आपको कहते ना रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं, मैं हवा में बातें नहीं करती। अब आपने क्या करना है, कमल गट्टे जो होते हैं, कमल गट्टे 108 आपने लेके आने हैं धनतेरस वाली रात को और दिवाली की रात को, इसका आपने हवन जरूर करना है। किस मंत्र से करोगे? ओम श्रीम ह्रीम श्री मां लक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम श्री मां लक्ष्मी नमः स्वाहा। इससे अगर कमल गट्टे से अगर आप ये करते हो, आप देखोगे आपके जो धन के दरवाजे हैं, जो बंद रास्ते किस्मत के थे, वो कैसे खुलने शुरू हो जाते हैं।
क्योंकि लोगों को क्या लगता है, लोगों को लगता है लक्ष्मी जी का दिन है तो वो धन से ही रिलेटेड है। नहीं, लक्ष्मी जी सुख संपन्नता समृद्धि देती हैं। तो जिनके घर में झगड़े कलेश बढ़ते जा रहे हैं, कहीं खुलने का रास्ते नाम नहीं ले रहे, तो इस दिन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू डू इट। एक और चीज आपको बड़ी जबरदस्त सी बताती हूँ, जिन लड़कियों का, जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा, कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। देखो, कई लोग होते हैं जिनका खुद का एक चॉइस होता है कि भाई मुझे अभी शादी नहीं करनी, सीधी बात। कई लोग चाहते हुए भी शादी हो नहीं पा रही, विवाह हो गया तो टिक नहीं पा रहा, तो अब हम क्या करेंगे? बड़े ध्यान से सुनना। अब आपने क्या करना है, आपने एक जो होता है रोज इत्र और एक माता का श्रृंगार, ये आप किसी भी समय कर सकते हो। कल शुक्रवार है, देखो मां सही हो गया, शुक्रवार भी है, धनतेरस भी है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सुबह करना चाहो सुबह भी कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। माता का श्रृंगार जो होता है और एक रोज इत्र जो होता है, वो आपने शिव पार्वती की मूर्ति जहां पर हो, जहां पर वो इकट्ठे बैठे हो, वहां पर जाकर चढ़ा देना। अब आपने क्या करना है, अब आपने वहां पर बैठकर ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः की आपने 5 माला करनी है। जिनका भी विवाह नहीं हो रहा, विवाह हो गया तो टिकने में दिक्कत आ रही है, ये महा उपाय बता रही हूं, इस चीज को जरूर करना है आपने। अब आपने ये चीज कर ली, जो चढ़ावा रोज इत्र होगा वो उठा के लेके आना है और अपने पे लगाना शुरू करना है। जबरदस्त, मैं आपको बोल नहीं सकती इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। एक और चीज आपको बता देती हूं, आपने इस दिन क्या करना है, आपने इस दिन 8 साल से छोटी कन्याओं को वस्त्र का दान जितना अपना संभव हो उतना अपना करना है, नहीं तो कुछ खाने पीने का सामान आपने जरूर देना है। एक और चीज बता देती हूँ, शाम को जब आप पूजा करोगे उसमें लक्ष्मी माँ को आपने खीर, उसमें मिश्री डालकर साबुदाने की खीर जो है उसको आपने अर्पित जरूर करनी है, इस चीज का ध्यान रखना। एक और इम्पोर्टेंट चीज बता देती हूँ, क्योंकि ये जो दिन होता है, ये जो रात होती है, दिवाली की रात हो गई, धनतेरस से जितने भी, क्योंकि आपने महामृत्युंजय मंत्र भी करना है, आपने और जाप भी करना है, कनक धारा स्त्रोत्र पढ़ना है, श्री सूक्तम का पाठ करना है। एक ना एग्जाम्पल देती थी, पहले किसी वीडियो में एक जिन्होंने कंसल्टेशन ली थी, उन्होंने ना पहले वीडियो में देखकर, वो तब बाद में आई थी कंसल्टेशन, तो उन्होंने बाद में ली थी, कहती मैंने ना आपका देखा था वो बरसे का धन, वैसे करके कहती मैंने ये सोचती थी हाँ मैं ये पाठ करती हूँ, कनक धारा का स्तोत्र का पाठ करती हूँ मैं और बरसे का धन और ऐसा हो जाएगा। आप मान नहीं सकते, हालांकि 1.5 साल लगा, वो इतने बड़े खानदान में, जिसको बोलते हैं ना शी गॉट मैरिड, उनकी उनका विवाह हो गया, कहते हैं ना वो वाकई में उनकी जो स्थिति है घर की वो ऐसी है जहां पर धन बरसता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे तो नहीं ना कि ऊपर से सिक्के आएंगे जो भी आएंगे, ऐसे तो होता नहीं, बट ये होता है कि आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज, कुछ आपके साथ में ऐसी चीजें हो जाती है, कहते हैं ना आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। पाशा लोगों, मैंने और भी चीजें बतानी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले मुझे था जैसे जैसे जो जो दिमाग में आ रहा है उस चीज को कवर अप करती जाऊं। आप अपने फोन के साथ अभी भी चिपक के रहना है कि नहीं, ठीक है पाशा लोगों, जिनको कंसल्टेशन चाहिए व्हाट्सअप कर देना। अभी भी मैं कंसल्टेशन कर रही थी, बीच बीच में मैसेजेस आते हैं, आप मेरे को व्हाट्सअप कर दो, मैं कॉल बैक जरूर करूंगी, प्लीज मुझे मिसअंडरस्टैंड मत किया करो यार, सच्ची कसम से कह रही हूं, मेरे को बहुत बुरा लगता है। बाकी मैग्नीफाइड हीलिंग की जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑन है, बहुत खुशी हो रही है, सब कहते हैं ना इतनी रजिस्ट्रेशन लोग कर रहे हैं, लोग हीलिंग सीख रहे हैं, विच इज ब्यूटिफुल। अपने, मैं फिर बोलूंगी, हमारा जो ब्रह्मांड है 5 तत्वों से बना, हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है, जो हमारे चक्रास पे आधारित है, जब उसको हम हील करते हैं हमारी जो जिंदगी है वो बदल जाती है, हमारे जो कर्माज है वो कट हो जाते हैं, हम कहीं ना कहीं ऋण दोषों से मुक्ति पा लेते हैं। बहुत जबरदस्त है, इसीलिए बोल रही हूँ, ठीक है ना, जरूरी नहीं इधर से कहीं से भी सीखो, पर सीखो सीधी बात, ठीक है। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करो, मेरा दिल मत तोड़ो, वीडियो को लाइक करो, लाइक लाइक लाइक, आप मुझे लाइक करोगे यूनिवर्स आपको लाइक करेगा और बंदा आपको लाइक करेगा। शेयर करो, सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।